इतने बड़े बड़े घोटाले हुए बिहार में, सृजन घोटाला, उसका रिकवरी कौन करवाएगा? वो भी तो कोषागार से गया, वो भी तो ट्रेजरी का मामला था। बिहार के कितने जिलों में हुआ सृजन घोटाला? मुख्यमंत्री के जानकारी हेतु क्यों नहीं मुख्यमंत्री पे कार्रवाई की गई? बल्कि चारा घोटाला में तो लालू जी ने ही आदेश दिया जांच का। जिसने जांच का आदेश दिया, जिसने जांच करवाया, उसी को तुम जेल भेज दिए। कोई बात नहीं, लालू जी जाते जाते बोले ना, ना झुके हैं ना झुकेंगे, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहेंगे। उसकी सजा मिली है, और देख रहा कोई एक बार थोड़ी ना, बार बार सजा मिलती जा रही है। लोग को लग रहा है भाई किस बात का बार बार एक ही आदमी पे सजा सुनाई जा रही है, और जो यहाँ 80 घोटाला करके बैठा है, सृजन महाघोटाला महापाप करके बैठा बालिका गृह वाला, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती? तो भाई हम मेरे अगर ट्विटर पे जाइएगा तो पहला ही टैग्ड है एक ट्वीट, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आज भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ देश में कोई नेता नहीं बोलता है, जहां लालू जी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। तो लालू जी डरने वाले हैं क्या, या हम लोग कोई डरने वाले हैं क्या? लालू जी का साथ जो हो रहा है, देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी, यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी, वोट का चोट देने का काम करेगी। लोग को लगता है कि लालू जी को जेल भेज देने से लालू जी कमजोर हो जाएंगे, पार्टी नस्नबूत हो जाएगी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई, आरजेडी सरकार बना चुके थे महागठबंधन, ये तो कुछ बेईमानी कर करके इन लोग आ गए थे, तो लालू जी तो और मजबूत हुए, पार्टी मजबूत हुई, और लालू जी का एक एक सिपाही आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस को बिहार की धरती से, और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली खत्म करके ही सांस लेकर के जो है वो काम करेगा। ये चुनौती है जो देश के लिए, जिन लोग बर्बाद कर रहे हैं, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नहीं है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सब बेच दिया, लेकिन चार्जशीट हम लोगों पर, किस शर्त में बेचा, क्या बेचा, और खरीदार दो चार ही लोग पूरे देश भर में देश के संपत्तियों को खरीद रहे हैं, ये है क्या न्याय? कहाँ है जांच एजेंसियां? हम तो चुनौती देते हैं, थोड़ा जांच करके बताएं। अरे सीबीआई प्रकोष्ठ है भाई भाजपा का, लेकिन जिस दिशा में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ होकर के अगर कोई काम करेगा, ये इंस्टीट्यूशन सदैव रहेगी, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा बदले जाएंगे, कोई परमानेंट नहीं। अगर इसी हिसाब से दुरुपयोग होता रहा इस तरह की जांच एजेंसियों का, तो बुरा प्रभाव, और जो लोग न्याय के लिए देश में, जनता जो न्याय के लिए जो लोग लड़ते हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हमने पूर्व में भी कहा, आज सर्वे करवा लो, आप लोग सर्वे करवा लीजिए, देश के जेलों में
सबसे ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद है, गरीब। और लालू जी गरीबों के नेता है, और कोई जेल नहीं जाएगा, सबको अक्यूटल हो जाएगा, सबको जो है छोड़ दिया जाएगा। अरे हमने तो महाराष्ट्र में, अब कोई बीजेपी का अगर कोई भाषण एड़ी के चोटी पे करता है, सीबीआई है, ई है, वो है, थोड़ा हमसे मिलवा दीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था भैया। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है पवार साहब, जब बीजेपी जब गए डिप्टी सीएम बनाएगा तो सीबीआई ने सारे केस वापस कर दिए, याद कीजिएगा वाक्य, सारे केस वापस कर दिए। जब सारा केस खत्म हो गया तो पवार साहब वापस एनसीपी में आ गए, जो शरद जी के भतीजे हैं। जब वापस आए तो दोबारा ईडी और सीबीआई के छापे और रेड पड़ने लग गए। यही है जांच एजेंसियां क्या? ये तो जीता जाता उदाहरण है, और हमको कैसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे इस पे हमने कहना, लेकिन ऐसी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या चीज कौन? नीतीश जी बता रहे हैं। नीतीश जी थोड़ा सृजन के बारे में बताइए। आई हैव नो इंटरेस्ट, बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सृजन मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप सब लोग, 2,00,000 करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी, बताइए। 2,00,000 करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। और नीतीश जी को बताना, हम देखिए बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं चोर दरवाजे के, तो हम इतना ही उनको कहेंगे कि चारा घोटाला में आप तो मत ही बोलिए, आप जहां बोलिएगा तो आपका क्या भूमिका है। अब हम जाना नहीं चाहते इतिहास में कहां कहां क्या क्या भूमिका है, डिटेलिंग हो जाएगी, मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते? 2,00,000 करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। चारा घोटाला कितना 1,000 करोड़ का, ये 2,00,000 करोड़ रुपया कहाँ गया भाई? और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था, जांच का। तो जो दोषी है वो जांच करवाएगा, वो भी सीबीआई से, ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में जनता दल का दौर था, और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था वो सबको पता है, कितने खेमे थे। फिर बीजेपी एक साल बाद आ गई, फिर दुरुपयोग शुरू हो गया, तो ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है उसको खत्म करके बीजेपी को खत्म करेंगे, और चीजें बोला एक बार फिर से, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था, जनादेश था, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए। अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आने वाले समय में लालू जी के चाहने वाले लोग या बिहार का हित जो चाहते हैं, देश का हित जो चाहते हैं, वो सब जो है भाजपा आरएसएस और नीतीश जी को पार्टी को जो है विलुप्त करके ही, राजनीतिक रूप से खत्म करके ही सांस